मुरादाबाद में कल देर शाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बिना परमिशन के मशाल जुलूस निकालने और प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र नारेबाजी करने के आरोप में थाना मुगलपुरा पुलिस ने पूर्व महानगर अध्यक्ष सहित 3 नाम दर्ज और 1 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए नाम दर्ज लोगों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल कल शाम समाजवादी पार्टी महानगर के आह्वान पर मुगलपुरा क्षेत्र स्थित गवर्नमेंट कॉलेज से एक मशाल जुलूस निकाला गया था। सपाइयों ने गुजरात के बिल्किस बानो केस के आरोपियों को रिहा करने के मामले में अपना विरोध दर्ज कराया था। कई दर्जन सपा कार्यकर्ता अपने हाथों में मशाल और बिल्किस बानो से जुड़े पोस्टर लेकर बड़े जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए शहर की सड़कों से निकलकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे थे। बिना परमिशन जुलूस निकालने और प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र नारेबाजी करने में अब सफाई फंस गए हैं, क्योंकि मुगलपुरा पुलिस ने पूर्व महानगर अध्यक्ष शानू अली सहित 3 लोगों को नाम दर्ज करते हुए गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। एसएसपी ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि बिना परमिशन के जुलूस निकाला गया था। सर, मुगलपुरे में कल एक जुलूस निकला था बिल्किस बानो के समर्थन में, उसमें एक मुकदमा दर्ज करके कुछ लोगों को जेल भेजा जा रहा है, क्या पूरा प्रकरण है और क्या पूरी कार्रवाई करी जा रही है इसमें? कल एक बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया था कुछ लोगों द्वारा, और उसमें सुसंगत धाराओं में बिना परमिशन के निकालने के हमने मुकदमा लिखा है, और जुलूस का जो प्रायोजक था उसको हम उसको गिरफ्तारी करेंगे उसकी, और उसको हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बाकी लोग के खिलाफ भी जो कार्रवाई होती है वो यदि कार्रवाई कर रहा है। इसमें सर कितने लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा है, कितने अज्ञात है? इस पर करीब 25 लोगों के खिलाफ अभी मुकदमा है।